अबे सुब्रो जी इधर आ, देख के जा, स्नेकहेड का बच्चा मिल गया। और ये देख क्या सच्ची में, देख 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 स्नेकहेड का ये काफी बड़ा शिट। सुब्रो जी पासा मार रहा है पूरा गोल्डन, चल डाल डाल। गाइस स्नेकहेड का बच्चा मुझे फिर से मिल गया, देखो दोस्तों यहाँ पे कितने फिश है बता पाओगे? दोस्तों मैंने एक नया नेट खरीदा है, ये देख पा रहे हो काफ़ी लंबा सा बड़ा सा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। 250 रुपीज़ लिया है ये नेट की प्राइस, इन्होंने 400 बोला था पर मैंने कम करके 250 में लिया है। और ये जाकोई को मैंने थोड़ा बहुत मरम्मत कर लिया और इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ। और आज मेरे साथ कौन जा रहा है, ये डे वन है गाइज, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग ये सारी चीज़ लेके जा रहे हैं और वो भी हम लोग कार पर जा रहे हैं फिश पकड़ने के लिए। आप सोचो जस्ट किडिंग गाइज, कार पर ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है स्कूटी में या बाइक में लेके जाने के लिए। तो चलते हैं गाड़ी लेकर और एक लोकेशन पर चलते हैं और उस लोकेशन पर फिश पकड़ेंगे। मैं बताता हूँ कि हमारे साथ कौन कौन है आज। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग उसी जगह पे और आज हम लोग बहुत कुछ लेकर आए हैं, मैं और मेरी भाभी आए हैं। आप लोग को पता है ये नेट लेकर आया हूँ और भाभी वो चाकू ही लेकर आई है, तो जा रही है वो। और यहाँ से खूब सारा फिश पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग और ट्राई करते हैं कि क्या क्या मछली मिलता है, मतलब गौरमिस चाहिए हमें एक्चुअली। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि कल यहाँ से पकड़ रहे थे हम लोग राइट, ये वाला जगह यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी जो है ये नेट लगा के रखा है, तो अभी देखते हैं पकड़ कर फिर आपको दिखाता हूँ। आते ही एक बड़ा वाला श्रिम्प मिल गया, देखो मस्त साइज है ये। ओ वाओ, श्रिम्प आया है, साइज अच्छा। गाइस आए हुए से 5 मिनट हुए और हमने ये वाला नेट भी लगाया है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। चलो एक स्नेकहेड का बच्चा हमें मिल गया, ये काफ़ी छोटा सा बच्चा था और इसको मैंने ले लिया। तो अभी तक हम लोगों को सिर्फ 3 ही फिश मिले 5 मिनट में, लेकिन एक अर्जेंसी होने की वजह से हमें यहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन गाइस मैं फिर नेक्स्ट डे गया एंड वीडियो देख लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस हम लोग आ चुके उसी लोकेशन पर, देख पा रहे हो जहाँ पे पानी अभी कम हो चुका है और ये सबसे बेस्ट टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोग को छोटे मछलियाँ चाहिए। और हम लोगों ने बहुत सारे फिश उस दिन पकड़े थे 2-3 दिन पहले और मेरे घर पे ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा फिश अभी है। और यहाँ पे और भी कलेक्शन हम लोग लेने के लिए आए हैं और कलेक्शन इसलिए लेने के लिए आए हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पानी कम हो जाएगा और फिश हमें नहीं मिलने वाली है सारे बच्चे, तो इनको लेकर जाएंगे, इनको पालेंगे और इनको काफी बड़ा करने वाले हैं और टैंक बनाने वाले इनका। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फिश इतने ज्यादा है ना और इतना कम पानी है, मतलब पकड़ना तो बहुत ही आसान है। दिखाता हूँ पहले आपको मैं, तो गाइस आप देख पा रहे हो पानी कितना कम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मछलियाँ है और ये देखो ये गैंग देखो फिश का, तो यहाँ पानी जैसे सूख जाएगा तो ये फिश तो डेफिनेटली मर जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इनको रेस्क्यू करके लेके जाने वाले हैं। यहाँ पे कम से कम 200-300 बच्चे मुझे दिख रहे हैं और पानी कितना कम हो चुका है, देखो बारिश अभी नहीं हो रही है तो पानी कम रहा है और फिश यहाँ पे जम गए हैं। इनको खाना मिल जाएगा नहीं पता नहीं, हम लेके जाने वाले। और ये मुझे लग रहा है कि डैनियो से कि क्या पता नहीं, पूरा इसके सर पे देखो लाइटिंग जैसे कितने सारे फ्राइज है। इसी तरीके से अगर मैं इधर भी जाऊँ तो भरा हुआ है गाइस, पूरा भरा हुआ है, ये देखो वाओ, ये इतने प्यारे लगते हैं ना ये फ्राइज दिखने में। तो इनको हम लेके जाने वाले हैं ऐसे पकड़ कर और यहाँ पे बैडिश वगैरह अगर मिलेगा, गौरमी वगैरह मिलेगा लास्ट टाइम जैसा, तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। वहाँ पे है क्या रे, रुक रुक वहाँ पे तू मत जा, वहाँ पे हम लोग है ना नेट से पकड़ेंगे बहुत ज़्यादा, रुक देखता हूँ मैं सामने जाके। हाँ यहाँ पे है ना नेट लेके आने से पकड़ पाएंगे आराम से। उस दिन गाइस यहाँ से पानी आ रहा था, अभी बंद हो गया, देखो यहाँ पे पानी सूख जाएगा तो यहाँ के तो सारे फिश मर जाएंगे राइट। और गाइस पानी देख पा रहे हो कितना साफ पानी है, बिल्कुल क्लीन वाटर है यहाँ पे, देख रहे हो। इधर कितने बड़े वाले, कितने बड़े वाले, देख इधर इधर आ, ओ वाओ, अरे यहाँ पे बार्ब भी है बहुत सारे, देख। चल तू उधर से भगा, मैं एक काम करता हूँ नेट से पकड़ता हूँ। ओ अबे सुब्रो जी इधर आ, देख के जा, स्नेकहेड का बच्चा मिल गया। और ये देख क्या सच्ची में, देख 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 स्नेकहेड का ये काफी बड़ा शिट, इतना बड़ा, काफी बड़ा बच्चा है स्नेकहेड का। राजभुरा भी है यहाँ पे, बहुत भरा हुआ है, देखना फिश, देख बाप रे फिश फ्राइज कितने सारे यहाँ पे जली। और ये स्नेकहेड का बच्चा हमें मिला, यहाँ पे बहुत सारे स्नेकहेड के बच्चे रहेंगे, पकड़ ले उनको क्योंकि हम उनको फिर है ना रेस्क्यू करके पक्का उनको बड़ा कर सकते हैं। और एक यहाँ पे भी है, वाह ये क्या कलर है बे स्नेकहेड का, इसको ट्रांसफर करता हूँ गाइस। तो गाइस ट्रांसफर कर दिया, देखो एक ही शॉट में इतने सारे फ्राइज। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये स्नेक हेड का बच्चा काफी बड़ा है,
या फिर तो चना बार का है क्या? ये स्नेक हेड ही लग रहा है लेकिन मेरे को, ये सामने से देखना पड़ेगा घर पे जाके, अभी तो और पकड़ना बाकी है गाइस। ये देख फिर से कितना आया, देख क्या आसानी से पकड़े। अच्छा और हम लोग रेस्क्यू करें यहाँ पे आकर, क्योंकि ये सारे फिश यहाँ पे देख पानी भी गर्म हो रहा है और सब फिश यहाँ पे मर ही जाएंगे थोड़े टाइम के बाद पानी सूखने के बाद। तो गाइस इनको ट्रांसफर कर देता हूँ, देखो कितने सारे है। ओ वाह, ये क्या डेनियस है क्या? डेनियस तो नहीं लग रहा है। ये देख, ये देख, ये वाला आया बड़ा वाला, ये कौन सा था? फ्लाइंग बार्ब, फ्लाइंग बार्ब आई थिंक। गाइस ट्रस्ट मी, पानी इतना गर्म है। ओ माय गॉड, माय गॉड, एक ही बार में। अभी पानी कम हो गया ना इसलिए, जल्दी जल्दी पानी में रख, थोड़ा पानी में रख। हाँ तो यहाँ से उठाता हूँ मैं, रुक, क्योंकि हाथ से उठाया फिर तो, और मैं यहाँ से उठा के डालता हूँ। बाप रे बहुत आए गाइस, अब तक हुआ है 5 मिनट और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने फिश हम लोग को मिल गए 5 मिनट में। 100 से भी ज्यादा। माई गॉड, नहीं नहीं देख तू, ये 50 लग रहा है तेरे को, ये 100 से भी ज्यादा है भाई, 150 है। जब गाइस आंखों से विश्वास नहीं होता, मतलब सही में विश्वास नहीं हो रहा है, हम लोग मछलियां पकड़ रहे हैं और आप लोग देख रहे हो लाइव, आप लोग को पकड़ के दिखा रहे हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कितने सारे हैं। मैं ना दारा भाई, बैडिश 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 था यहाँ पे। ये देखो गाइस, मैं कोशिश करता हूँ आपको सामने से दिखाने के लिए। देखो कुछ तो आए हैं, कितने है? 3-4 है। ओ वाओ, यहाँ पे आए काफी सारे। ये फिर से आ गया, बढ़िया, मैं डाल के आता हूँ। यहाँ पे पकड़ते हैं। मुझे कितने सारे मिले क्या? देखो, दिखा ऊपर उठा, बाप रे बाप बहुत सारे। अरे इसमें फ्लाइंग बार भी है, नीचे का नीचे कर, मैं उठाता हूँ। चल एक लोच भी आ गया, शुरू हो रहा है अभी, एक एक करके दिखा दिखा दिखा। ये बहुत ज्यादा ये रहता है, अरे फिसलता है ये बहुत। कौन सा हमें देखने थे ये? वाह इसका पैटर्न देख। हाँ ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, डॉट 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 डॉट, थोड़ा सा अलग भी है ना। हाँ सुप्रजीत पासा मार रहा है पूरा गोल्डन, चल डाल डाल। वाओ देखो यहाँ से गोल्डन मिल रहा है ना। हाँ। इस जगह से देखना पड़ेगा। गाइस हम लोगों ने 15 मिनट मछली पकड़ा और दोनों एग्जॉस्टेड, इतनी गर्मी हो रही है आज, धूप इतना ज़्यादा है और मछली तो बहुत मिल गया है, लाइक 200 से भी ज़्यादा मिला होगा इस बार, लेकिन एग्जॉस्ट हो चुके हैं। गाइस ये कुछ कहना चाहता है? तो गाइस हमें डिस्कशन करते करते एक चीज़ मतलब माइंड पे आया कि हम लोग 300 फिश पकड़ने का क्यों चैलेंज नहीं करते हैं। 200 तो हो गया, 300 तो वैसे ही हो जाएगा 5 मिनट में। और बहुत धूप दिया है गाइस। एक काम कर, 400 कर। ए 400 बहुत ज्यादा हो जाता है। 500, 400 तो ऐसे ही मिल जाएगा मेरे को दिख रहा है। हाँ लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे पकड़ लिया, ठीक है। 400 दूसरे दिन जब बारिश होगी उसके, ठीक है अभी देखते हैं। 300 फिश चैलेंज, वाओ लेट्स गो गाइस। 300 फिश चैलेंज हमने स्टार्ट किया है भाई। यहाँ पे 200 आराम से है, 100 फिश और नहीं मिलेगा तुझे लगता है? 200 है क्या यहाँ पे? काउंट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे लेकिन लग रहा है ना गाइस 200 तो होना ही चाहिए। देखो अगर ये बैच तू पकड़ लेगा ना, यहाँ पे कम से कम 50 है, तो आराम से 50 है हो जाएगा। मैं देख कैसे कंप्लीट करता हूँ, 400 कंप्लीट करता हूँ आज मैं तेरे लिए। हाँ हाँ दिखा। अरे वाह ये फिश ना प्यार है मुझे इससे। चल मिल गया, कितना है इसमें? 10-15 तो मिल ही गया तेरे को। मैं तो बस ये हथियार यूज कर रहा हूँ और इतने सारे फिश मिल रहा है मुझे। देखो देखो कितने बड़े बड़े। अरे यहाँ पे करके देखना एक बार, यहाँ पे एक बार में हम लोग 50 तो ले ही सकते हैं। हाँ। पूरा जमा हो गया यहाँ पे, बड़े वाले से करता हूँ यहाँ पे। रुको गाइस, तो गाइस स्नेक हेड का बच्चा मुझे फिर से मिल गया। देखो ये दूसरा वाला थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर उठा, आपका तो अलग ही लग है। स्नेक हेड का बच्चा फिर से मिल गया, वाओ। रुकिए आई थिंक स्नेक हेड ही है। अरे बच्चे मर जाएंगे, एक काम करते हैं इनको मैं डाल देते हैं। ये देखो ये पक्का स्नेक हेड ही है। देख देख ये दो स्नेक हेड जो लग रहे हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। एक तो अभी यहाँ पे कितने होंगे, 200 से भी ज्यादा ही हो गए। चल कंटिन्यू करते हैं चैलेंज। हुआ नहीं क्या? ये तो चुन चुन के उठा रहा है। अरे वो मिला था सिलेंडर आज तेरे को भी मिल गया। यहाँ पे बहुत स्नेक हेड है भाई, पकड़ के लेके जाते हैं, 3-3 हो गया। वाह कहाँ से मिल रहा है तेरे को? चल डाल उसको डाल, मैं तब तक यहाँ पे ट्राई करता हूँ। हाँ एक मिनट गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हो राइस प्लांटेशन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर गौरमीज रहते हैं छुपे हुए। तो अभी तो नहीं, हाँ वो देखो वो देखो, वो गौरमीज नहीं होंगे, बार्ब होंगे जो भी है, लेकिन गौरमीज यहाँ पे छुपे रहते हैं और स्नेक हेड्स यहाँ पे काफ़ी रहेंगे। सोचो ये पानी तो सूख ही जाने वाला है 1-2 दिन में और सारे फिश भी मर जाएंगे। बहुत प्यारा लगता है रे स्नेक हेड, बच्चे भी काफ़ी प्यारे लगते हैं। मेरे पास अभी 3 घर पर भी एक है, 4
भाई ये सारे बढ़िया कलेक्शन मिला इधर इधर देख, इधर देख ये वाला देख, ये गोल्डन वाला है, वाह। और यहाँ पे ये भी था, फ्लाइंग बार भी था, कहाँ गया, देखी देखी देख क्या भाग रहा है, आ गया। ये थोड़ा बड़ा साइज का फ्लाइंग बार है। गाइस सुप्रोचित को एक ऐसा मछली मिला है जो बहुत रेयर है, ये देखो, वाओ यार ये तो पक्का ये वाला फिश है, इसको बचाना थोड़ा मुश्किल है, इसको लेके जाके ना बहुत अच्छी तरीके से, वाओ 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 एकदम। इसका तो कैसे मिला तेरे को ये? वो जंगल से मिला। चल डाल इसको, डाल अभी बच्चा इसको पहले। अरे देख बहुत वीक है हाँ ये फिश, कैरेशन भी नहीं लेके आया, डालते यहाँ पे डाल। गाइस इतना चैलेंज है कि यहाँ पे 300 तो हमने कम्प्लीट कर लिया है, अगर आप 500 भी करेंगे ना आराम से, आधा घंटा रुकेंगे तो 500 के 600 तक भी मिलेगा, क्योंकि फिश खत्म ही नहीं हो रहा है, पकड़ते ही जा रहे हैं। और लेकिन गर्मी की वजह से इसको मिलते ही जा रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो रही है। दिखा फिर से मिला गोल्डन, गोरा में मिला मुझे तो, ओ यस यस भाई ये तूने उस दिन भी पकड़ा था ना लास्ट डे, हाँ 2-3 दिन पहले। भाई तू क्या है बे, इसका लक बहुत अच्छा है, बहुत मछलियाँ पकड़ रहा है तू, हाँ वाह। और क्या मिला था तेरे को? और वो फ्लाइंग बार्ब। ठीक है यहाँ पे करके देख, इसके बाद मैं निकलने वाला हूँ। गाइस इतनी गर्मी लग रही है, अब मैं नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि 300 वाला जो हमारा फिश चैलेंज है वो कम्प्लीट हो गया ऑलरेडी, लेकिन ये अभी पकड़ ही जा रहा है क्योंकि बहुत यूनिक फिश पकड़ रहा है और इसको मिलते जा रहा है इसलिए बहुत खुश है, लेकिन मैं गर्मी लग रही है। गोल्डन अब मैं नहीं आ रहा हूँ, तू रखते जा मैं थक गया हूँ। नहीं आपको तो हेल्प चाहिए होगा, दो दो गोल्डन मिला है, एक बड़ा साइज का और एक बहुत छोटा। डैडी कहाँ है? ये रहा, रुकिए मैं दिखाता हूँ। ओहा तो जीत गया भाई, बहुत यूनिक फिश पकड़ लिया तूने, ये छोटे वाले को सब निकाल। ओ ये क्या है? ओ नहीं मेरे को लगा स्नेक है। जल्दी कर मर जाएंगे, और इनको थोड़ा पानी में रख पहले, हो जाएगा ये। रख दिया सारा मछली, ये तो 350 लग रहा है मेरे को, यहाँ पे 400 भी लग रहा है, बहुत है। तो गाइस लास्ट मैं इसको बोल रहा हूँ कि जल्दी कर चलते हैं, कुछ जूस वगैरह पियेंगे, और इतने फिश पकड़े और क्या चाहिए भाई, आएंगे ना फिर से, थोड़ा बारिश आने देना। देखो गाइस एक साथ मजा आ जाएगा। ओ अरे गोल्डन, ये तो ओ वाओ, इसके साथ ये भी है सारा निकाल। ये गोल्डन एक बार सामने से दिखा दो, दे दो, ये क्या है? मुझे फिश गिनना नहीं चाहिए, अब दिखाते रहिए और एक बार। बात तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल गार्ड नहीं लग रहा है, ये पूरा बच्चा वाला गोरमी मिल रहा है, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ। तू बच्चा है ना इसलिए बच्चा गोरमी मिल रहा है, आपको तो वो भी नहीं मिल रहा सही में। बढ़िया दिखा, पर्पल है ये पूरा, पर्पल टाइप का है, वो भी पर्पल ही मिला था। नाइस ट्रांसफर कर। ऑल राइट गाइस ऑल डन, अब नहीं हो रहा है, अभी जाएंगे जूस पियेंगे। और 300 कितना पकड़ा हमने? 400 300 चैलेंज था फिश का, 400 से भी ज्यादा ही रहेगा रे, मेरे को तो लग रहा है 400 से भी ज्यादा। तू पकड़ते रहे, पसीना आ रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, 400 से भी ज्यादा फिश पकड़े हम लोगों ने गाइस, सही में बता रहा हूँ। और इन सबको लेके चलते हैं। यप रख दे, चल गाइस इसको छोड़ के मैं जाने वाला हूँ, ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो पकड़ते रहे, आ जाना हाँ पैदल पैदल, घर 4 किलोमीटर आ जाना। बाय दोस्तों, ज़रा कोई इसको समझाओ कि हो गया है, फिशिंग हो गई है आज के लिए, चलते हैं। 400 इससे कंप्लीट कर दिया है, 500 अबे तू सब्सक्राइबर्स कर रहा है क्या ये? ऐसा लग रहा है मेरे को कि 500 करना है, 600 करना है, चल भाई। एनीवेज गाइस फाइनली डन, वो रख और वो लेकर आ, चप्पल पहन एंड चलते हैं। बाप रे बहुत गर्मी लग रही है रे। गाइस हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम लोग फिश चैलेंज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। और आधे घंटे में कितना? 400 एग्जैक्टली आधे घंटे में, क्योंकि हमने 1 बजे पहुंचे और अभी 1:28 हो रहा है। 27 मिनट्स मान लो अभी निकले हैं, 1 मिनट पर 400 प्लस फिश प्राइस हमने पकड़े हुए हैं यहाँ से, और बड़े फिश भी हैं, अलग अलग फिश भी हैं थोड़े बहुत, मज़ा आ रहा है। हेलो गाइस, खाना वाना खा के नहा धो लिया है, और अभी मैं जो है वीडियो एडिट कर रहा था, तो गाइस मैं सॉरी बोलना चाहूँगा एक चीज़ के लिए कि लास्ट जो हमने 3-4 फिशिंग किया है, मतलब मैंने जो किए उनके फिश मैंने आप लोगों को सामने से नहीं दिखाया, और बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है, बहुत लोग गुस्सा भी करते हैं, तो डेफिनेटली उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा। और अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि धूप आप देख रहे हो, गर्मी में अगर मैं आपको ग्लास में दिखा रहा हूँ तो मछलियाँ डेफिनेटली मर जाएगी, उसको निकालना दिखाना, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने दीजिए, लाइक 2 दिन के बाद वो वीडियो आ जाएगा डेडिकेटेडली, मतलब उसी में रहेगा, सारे जो फिश हमने पकड़े एकदम क्लोजली दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें है एनीवेज गाइस, ये सब मेरा मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों ने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, 3 तो बन चुका है और 2 बन रहे हैं, तो इनको मैंने अभी धूप में रखा हुआ है, ये पूरा सूख गया है वैसे, इसे पानी डालना है और टेस्टिंग के लिए रखना है। ओके तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाइस, देखो कितने हैं यहाँ पे, 300 से भी ज़्यादा, 400 तक तो होना ही चाहिए ना। एंड गाइस आप देख पा रहे हो सभी फिश बिल्कुल सही सलामत है, तो इनको मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। देखो कैसे लाइट जल रहा है इनके ऊपर, और स्नेकहेड के बच्चे देखो नीचे,
एनीवेज अच्छा लगा तो गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।